बाल देखो एकदम ओरिजिनल है। तुम ये कैसे पाए घने बाल और कैसे छुटकारा पाए हम फ्रॉम हेयर फॉल। मार्केट में बहुत जोरों शोरों से चल रही है एक चीज जिसका नाम है आदिवासी हेयर ऑयल। हक्की पिक्की कम्युनिटी द्वारा बनाया गया आदिवासी हेयर ऑयल। जब से इसका नाम उछला है तो इतने सारे लोग इसको बनाने वाले और बेचने वाले पैदा हो गए जितने कि लोग पूरी कम्युनिटी के अंदर नहीं है। बताया जा रहा है इस आदिवासी कम्युनिटी के अंदर कुछ 11,000 के आसपास लोग हैं, लेकिन बेचने के नाम पर अगर आप देखोगे तो अमेजोन के ऊपर ही आपको 200-300 सेलर मिल जाएंगे जो अलग अलग ब्रांड रजिस्टर करके आदिवासी हेयर ऑयल बेच रहे हैं, जिनका प्राइस भी अलग अलग है। वहीं पर अगर आपने यूट्यूबर्स की वीडियोस को फॉलो किया होगा तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स एक जगह पर जा रहे हैं जहां पर आपको ये रिप्रेजेंट करता हुआ दिखा रहे हैं कि भैया देखो ऐसे बनता है आदिवासी हेयर ऑयल और यही है ओरिजिनल हेयर ऑयल। अब हम एक यूट्यूबर को ट्रस्ट करते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ जो भी लिंक है या जो भी कॉन्टेक्ट नंबर है वहां से हमने ऑर्डर कर लिया है, हमने यूज कर लिया आदिवासी हेयर ऑयल। फिर हमको पता चलता है कुछ टाइम के बाद हमारा जो दूसरा पसंदीदा क्रिएटर है वो दूसरी जगह पर पहुंच गया और बता रहा है कि ये है असली हेयर ऑयल आदिवासी वाला। तो तुमने पहले लिया था वो ओरिजिनल नहीं था, अब तुम कंफ्यूज हो रहे हो यार, जिसको हमने पहले देखा था वो भी तो हमारा फेवरेट क्रिएटर, क्या वो झूठ बोल रहा था या ये झूठ बोल रहा था? क्योंकि तुम्हारा फायदा नहीं हुआ था पहले वाले से परचेज करने के बाद तो तुम दूसरे वाले के पास भी पहुंच गए, उससे भी तुमने खरीद लिया पर फिर भी तुम्हारा कुछ हुआ नहीं। तो भाई साहब कहां से आ रहा है ये आदिवासी हेयर ऑयल, क्या है इसकी रियलिटी? हमने थोड़ी सी रिसर्च की तो पाया कि हेयर ऑयल का काम इतना होता है ताकि जो आपके बाल सूखे होते हैं, सूखने की वजह से झड़ रहे होते हैं, वो आपके बालों के अंदर थोड़ी सी चिकनाहट ले आएगा। डैंड्रफ को रिमूव करने में थोड़ा सा उपयोग होता है हेयर ऑयल का, और आपके सर के ऊपर अच्छे से मसाज हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहे, इसलिए इस्तेमाल होता है हेयर ऑयल का। हेयर ऑयल कम्प्लीटली आपके हेयर फॉल को नहीं रोक सकता, डैंड्रफ को नहीं रोक सकता या फिर कुछ भी ऐसा काम हेयर ऑयल नहीं कर सकता है, ना किया है कभी ना करेगा। अगर किया हो तो आप एक भी बंदा ऐसा दिखा दो जो 6-6 महीने से इस्तेमाल कर रहा हो किसी भी हेयर ऑयल का एंड उसके बाल एकदम से जमीन सर से लेकर के जमीन तक के हो गए हो। नहीं है कोई। अब ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनके पहले से बाल नेचुरली बचपन से लेकर के बड़े होते होते तक वैसे बाल हैं, उनका खान पान अच्छा है, अच्छी तरीके से रह रहे हैं, अच्छी तरीके से सो रहे हैं, तुम्हारा थोड़ी ना रात भर मूवी देख रहे हैं उसके बाद कह रहे हैं मेरा हेयर फॉल नहीं रुक रहा। तो हर एक चीज मैटर करती है कि भैया बाल कैसे हैं। अच्छा बात करें हम इन्फ्लुएंसर्स के बारे में तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं खुद तो बिग लगा करके घूम रहे हैं पर प्रमोट कर रहे हैं आदिवासी हेयर ऑयल को। प्रमोशन इज नॉट बैड, प्रमोशन किया जाता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या मतलब ऐसे ही बोल देना बिना खुद कुछ भी उपयोग किए बोल देना डायरेक्टली कि हाँ भैया ठीक है ले जाओ आपके, और उससे भी लोगों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिसको रिएक्शन कर रहा है तेल वो कहाँ जाएंगे। और अभी हाल ही में काफ़ी सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जहाँ पर हेयर ऑयल यूज़ करते करते ये आदिवासी नाम का जो हेयर ऑयल है, हमको नहीं पता ओरिजिनल वाला या फिर डुप्लीकेट वाला ही लगाया होगा, तो बाल गैग इन्फेक्शन हो रहा है सिर के अंदर। अब अच्छा तुम खुद सोचो क्या एक बड़े बाप का बेटा जिसका हेयर फॉल हो रहा हो वो तो आदिवासी लोगों को पूरा पूरा जंगल डोनेट कर सकता है, लो आराम से यहाँ पर जड़ी बूटियाँ बीनो और बनाओ हेयर ऑयल और हमारे बेटे के गंजापन को दूर कर दो। उनके बेटे का भी हेयर लॉस हो रहा है, यहाँ से बाल गए, बड़े बड़े लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तुम सोच रहे हो कि बाल आ जाएंगे? ऐसे नहीं होता दोस्त। हाँ हेयर ऑयल का उपयोग है लेकिन आपकी नींद आपकी डाइट ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम बहुत ज़्यादा बड़े एक्सपर्ट नहीं है लेकिन एक नॉर्मल सी बात तो ये चीज़ तो समझ में आती है, हाई स्कूल में ही शायद ये चीज़ सिखाई जाती है। अब ये जहाँ पर भी हमारे इन्फ्लुएंसर्स लोग पहुँचे हैं वीडियो शूट करने के लिए तो वहाँ पर जो कोकोनट ऑयल पड़ रहा है पूरे मसाले के अंदर वहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ये कोकोनट ऑयल है पर एक्चुअली में वो योलेस कलर मार रहा है एंड कोकोनट ऑयल योलेस नहीं होता है। चाहे आप किसी भी कंपनी का परचेस करो चाहे आप खुद निकाल के देख लो। तो प्लीज़ हमारे देशवासियों बहुत मोटा पैसा मत खर्च करो, हमको पता है मार्केट के अंदर अभी पैसा है नहीं फालतू का जो वहाँ पैसा करके उड़ाओगे। जैसे बाल हैं आपके हैं उसमें खुश रहें, अपनी डाइट और स्लीप के ऊपर ध्यान दें, नॉर्मल कोकोनट ऑयल मस्टर्ड ऑयल ऐसे कुछ तेलों का इस्तेमाल करें। इन्फ्लुएंसर का कुछ नहीं जाता, पूरी वीडियो के अंदर दिखा देगा ये तेल बाल इतने लंबे हो गए, उसके कभी नहीं हो गए, उसके देखे तुमने कभी हो गए? थोड़ी हिस्ट्री निकालोगे तो बिग लगी होगी यहाँ बस, ए मेरी ना निकल जाए तो बिग लगी हुई होती, नहीं तो हेयर ट्रांसप्लांट कराया होता भाई। बड़े बड़े सेलिब्रिटी सबने बाल नहीं बचा पाए। तो अपने बालों की चिंता करते हो, सबसे पहली बात तो चिंता करते हो इस वजह से हेयर लॉस ज्यादा होता है, ये चीज हमने नोटिस की है। तो पहली बात तो चिंता नहीं करो, ये फालतू के प्रोडक्ट्स और फालतू के रेमेडीज जो है वो अपने बालों के ऊपर अप्लाई करना बंद कर दो। तुम्हारे बाल बचे ना बचे पैसा जरूर बचेगा और खाली की सरदर्दी नहीं होगी। नॉर्मल जो नेचुरल तरीका है जो पूर्वज लोग बताते हैं उस चीज को इस्तेमाल करें, कायदे से रहे। इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा इन्फ्लुएंस होने से पहले थोड़ी सी अपनी भी जांच पड़ताल कर लें कि असली है कौन आखिर। नीचे सारे यूट्यूबर्स अलग अलग फैक्ट्री विजिट कर रहे हैं, बोल रहे हैं 108 प्रकार की जड़ी बूटी मिला रहे हैं।
तुम दिस टाइप की जड़ी बूटी के नाम कहीं से भी इकट्ठे कर लो, अपने घर पे बना लो, वो लगा लो, ज़्यादा फायदा होगा। बाकी दोस्त आपकी मर्जी, अगर आपकी में से किसी के भी किसी ने भी ऐसा हेयर ऑयल का इस्तेमाल किया हो और उसके बाल ऐसे लंबे हो गए हो, ऐसे घने हो गए, हमने नहीं इस्तेमाल किया पहले बता दें टू बी क्लियर, तो फिर कमेंट बॉक्स के अंदर आप बताइएगा कि हाँ आपको फ़ायदा हुआ, कौन से वाले तेल से हुआ, बताइएगा ज़रा कमेंट बॉक्स में। हमारे पास बहुत सारे गंजे लोग हैं, उन लोगों के ऊपर ट्राई करेंगे, हो सकता है उनके बाल उगाएं या फिर झड़ना बंद हो जाए या डैंड्रफ खत्म हो रहा, तो अपना रिव्यू भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तेल इस्तेमाल करने के बाद तो वो भी बताइएगा। फिलहाल ये था हमारा पर्सनल ओपिनियन, किसी के भी ब्रांड को हम ऐसे बहुत बुरा नहीं बोल सकते। हाँ होगा कहीं ना कहीं हक्की पिक्की कम्युनिटी का एक सीक्रेट फार्मूला होगा जो कि बहुत अच्छी तरीके से बालों के ऊपर अच्छा काम करता होगा, पर इतना ज़्यादा नहीं कि आपके बाल यहाँ से लेकर के जमीन तक कर दे, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम करेगा, लेकिन सबके बाल ऐसे नहीं होते। ऐसे बाल चाहिए, तुम भी वैसे ही जंगलों में रहो जा करके वैसा ही खाना खाओ तो शायद तुम्हारे भी हो जाए। पर तुम्हारी जिंदगी क्या, सुबह देर में उठना है, देर में खाना है, उसके बाद काम पे जाना है, उसके लौट के आना है, फिर रात भर मोबाइल चलाना है, नींद पूरी होनी नहीं है, खाना ढंग से खाना नहीं है, तो कहाँ से तुम उनका कंपेरिजन कर लोगे। बैठे हो कलम चल रहा है, वो लोग अपना बैठ करके जंगल में अच्छा सा खाना ढूंढ रहे हैं, पका रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, तो उनके तरह बाल क्यों चाहिए तुमको, जिंदगी तो तुम्हें वैसी नहीं चाहिए, तो वैसे बाल होंगे भी नहीं। हाँ फॉर्मूला अगर अच्छा वाला मिल जाए तो हो सकता है कुछ हद तक तुम्हारे हेयर फॉल रुक जाए, पर इस पूरी भीड़ के अंदर ये पूरा का पूरा जो आयुर्वेदिक वाला सिस्टम है, बेसिकली कॉर्पोरेट वालों ने समझ लो कि हथियार रखा है, पूरी तरीके से तुम्हारी जेब से पैसा निकाल के अपनी जेब में रख रहे हैं और तुम पकड़ भी नहीं पाओगे क्योंकि ब्रांड के नाम लगभग सेम सेम है, एड्रेस भी इसी जगह का कि तुम ढूंढ नहीं सकते, तुमने तो फोन पे ही ऑर्डर किया था। तो प्लीज सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हुई हो, सही लगी हो, लाइक करते हुए शेयर कर दीजिए ताकि और लोग जो आपके दोस्त लोग हैं ऐसे बालों के चक्कर में ट्रैप में न फंसे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।